नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर नॉन के एग्जाम 27 मई से शुरू हो रहे हैं और हिस्ट्री फर्स्ट का पहला पेपर होने वाला है यहाँ पर 27 मई को। उसके बाद में जो पेपर है हिंदी का आने वाला है यहाँ पर, जनरल हिंदी का, उसका कंप्लीट डिटेल्स वीडियो आज यहाँ पर होने वाला है। सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, और दूसरा बात करूंगी किस हिसाब से आपको पढ़ना है, कैसे मैं पास करना है, क्या जरूरी है, कितने हिसाब से कितने नंबर के कितने प्रश्न आएंगे, क्या करें कि पास हो जाएं, सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। बस एक वीडियो देख लीजिए। हालांकि इसका गैस पेपर नहीं बनता है, क्योंकि देखो इसमें जो टॉपिक दिए हुए गैस पेपर बनते ही नहीं है उससे रिलेटेड, लेकिन आपको यह वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा और पास हो जाएंगे। हालांकि मैंने पहले भी से रिलेटेड वीडियो बनाए, सेमेस्टर है तो सेमेस्टर के हिसाब से नया वीडियो आपको देखने को मिल रहा है। बात करेंगे देखो भैया यहाँ पर सिलेबस के बारे में। काफी विद्यार्थी कंफ्यूज थे सिलेबस क्या है, तो आपने जो एडमिट कार्ड में देखा हो तो वहां पे एईसी लिखा होगा ना, एईसी जो 28 तारीख का पेपर है एईसी लिखा है, एबिलिटी से रिलेटेड कोर्स है, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स जो है आपके, उसमें जनरल हिंदी देखने को मिलता है। ठीक है, बात करेंगे जनरल हिंदी और उसमें भी लिखा हुआ है व्याकरण, इंपॉर्टेंट है आपके लिए यह जानना। दूसरा बात करते हैं देखो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं भैया, अगर यह है पेपर पास हुआ तो आपको मिलेंगे 2 क्रेडिट। मैं फिर से कह रहा हूं हर सेमेस्टर में 26 क्रेडिट आने चाहिए तो पास आप हो जाएंगे, पास हो जाएंगे ना, बिल्कुल अच्छे से पास हो जाएंगे, कोई बैक नहीं रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में 26 आ गए, सेकंड में 26 क्रेडिट आ गए, पास। ठीक है, तो एक 26 ऐसा तो नहीं किसी एक पेपर से आ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, वो जोड़ने पड़ेंगे। देखो हिंदी का पास करेंगे तो 2 क्रेडिट मिल जाएंगे, ऐसे इंग्लिश का आएगा, बाकी के आएंगे, और पेपर आएंगे, मैथ पेपर है उसको 6-6 का क्रेडिट है। इस तरीके से अगर 26 नहीं हुआ तो भी पेपर बैक करेंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ना। पेपर की बात करते हैं, देखो आंतरिक मूल्यांकन ये नॉन कॉलेज पे लागू नहीं होता मिड टर्म, और पेपर आएगा 40 नंबर का। अब देखो यहाँ पे कई कह रहे हैं कि हालांकि कई यूनिवर्सिटी ने अपने अपने हिसाब से रूल्स बदले, काफी लोगों ने मिड टर्म नॉन कॉलेज का नहीं होता इसलिए 50 नंबर का पेपर दे दिया, काफी लोगों ने क्या कर दिया 10 नंबर, भाई नॉन कॉलेज वालों को मिड टर्म होता नहीं है इसको 10 नंबर वैसे ही दे दो मिड टर्म के, तो डायरेक्ट फुल नंबर दे दिए और क्या नाम है 40 नंबर का पेपर करवा दिया। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी क्या करेगी, यह तो पेपर आएगा तभी ही पता चलेगा। हालांकि मुझे लगता है कि 40 नंबर का ही पेपर होना चाहिए, आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना। आपको क्या करना है भैया, 40 नंबर का हो या 50 नंबर का हो, आपको 40% नंबर लाने का ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट बात तो ये है, पास का है करके तो पूरा ही आना है, पूरे 40 नंबर का हो 50 नंबर का हो जितने का भी हो करके आना है पूरा, लेकिन आपको पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए और 2 क्रेडिट जो चाहिए ना उसके लिए 40% नंबर आना चाहिए। अगर 40 का हुआ तो भैया देखो 16 नंबर में पास हो जाएंगे और 50 का हो तो 20 नंबर में पास हो जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल सी बातें हैं जो आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं आगे की तरफ, ये रहा है आपका पैटर्न कि भाई किस हिसाब से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ, तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है उसको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो प्रश्न पत्र 3 खंडों में देखने को मिलेगा, अ, ब और स में देखने को मिलेगा। खंड अ में क्या देखने को मिलेगा, प्रश्न संख्या 1 में इकाई 1 के भाग क ख और इकाई 2 के भाग क और ख देखने को मिलेंगे। इस हिसाब से आपको 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, 8 क्वेश्चन आएंगे प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो 8 × 2 = 16 पासिंग मार्क तो आपको एक खंड में ही देखने को मिल रहा है। अब इसमें क्या क्या पूछा गया है वो आपको बता देता हूं। देखो क्या कहा, इकाई 1 के भाग क और ख, इकाई 1 का भाग क्या और क्या, यानी कि ये चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, दूसरा क्या पूछा गया, इकाई 2 के भाग क्या और क्या, तो नीचे आप चलेंगे उसमें समझा दूंगा, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। खंड ब में क्या है भैया, प्रश्न संख्या 2-3 में दूसरा और तीसरा नंबर का प्रश्न आएगा, उसमें इकाई 3 के भाग क और भाग ख से एक एक प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि दोनों भाग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। ठीक है, खंड से की बात करूं तो ये 4 और 5 और 6 ये बड़े प्रश्न होंगे, इसमें इकाई 4 के भाग कैसे प्रश्न आएगा, 2 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, भाग कैसे 1 प्रश्न आंतरिक विकल्प सहित 8 अंक का होगा। इसमें आंतरिक विकल्प यानी आपको देखने को मिलेगा अथवा वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आगे की जो चीज है, ये तो पैटर्न है समझ लेना आप। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, करने सारे हैं आपको, कितने का भी कुछ भी आए। देखो इकाई 1 में ये चीजें पूछी जाएंगी, भाई उपसर्ग प्रत्यय संधि समास संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण। ठीक है, इकाई 2 की बात करते हैं, शब्द वाक्य गत अशुद्धि संशोधन मुहावरे लोकोक्ति अर्थ प्रयोग। मैं बताऊंगा पेपर में समझा के किस हिसाब से आपको सोल्व करना है। ठीक है, संक्षेपण क्या होता है, पलवन क्या होता है, ये भी बताऊंगा, और ये पत्र हो गया और ये निबंध लेखन हो गया, और ये आंतरिक मूल्यांकन आपके नहीं आएगा क्योंकि आप यहाँ पर रेगुलर नहीं है, नॉन कॉलेज है ना, तो मिड टर्म वाला आपके नहीं आएगा। ठीक है,
आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा निबंध। अब निबंध कौन कौन से आएंगे इसको लेकर भी बात करेंगे। पत्र किस हिसाब से लिखना है, पलवन में क्या करना है, संक्षेपण क्या, हमने तो कभी देखा ही नहीं। हाँ नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं भैया, आज चलेंगे उन सभी चीजों पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये तो रहा सिलेबस, कंफ्यूज नहीं होंगे ना। और सेकंड सेमेस्टर का जो आपका जो बाद में जो अगली डेट्स रहने वाली है हिंदी के सेकंड पेपर की, जो साहित्य से रिलेटेड है, उसका सिलेबस ये है ना, वो अलग है। उसके बारे में जब क्वेश्चन वीडियो आएगा, जब पेपर आएगा, तो आपको 2 दिन पहले वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है भैया, ये समझ में आ गया होगा आपको, सिलेबस मैंने समझा दिया। अब चलते हैं उस पेपर की तरफ, क्या है उस पेपर में ऐसा जो कि दिक्कत कर रहा है और आपको समझने भी है। ये रेगुलर वालों का सेमेस्टर का पेपर है भैया, फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर हुआ था वो देख लीजिए भैया। अब किस हिसाब से आपको मैं समझा देता हूँ, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी ना। तो देखो भैया 40 नंबर कौन कौन से प्रश्न करने हैं, वो सारी चीजें जो मैंने बताई, इकाई है कि कैक है, इस हिसाब से आ जाएगा, वो सारा दिया हुआ है इसमें। ठीक है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है यहाँ पे, खेल है सारा यहाँ का। ठीक है, उपसर्ग से योग से दो दो शब्द बनाइए। पहला खंड ए आ गया, दो शब्द उपसर्ग से बनाने हैं, ध्यान रखो। अब कुछ भी पूछ लेगा, अब इसमें अति अति दे दिया आपको और कुछ भी दे देता है, तो आपको यह तो ध्यान होना चाहिए भाई, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। इस तरीके की चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अभी जो सीरीज आप पढ़ रहे हैं ना, उसमें 5, 10, 15 उदाहरण देख जाना, उसमें पता चल जाएगा किसका क्या हट रहा है आगे से, किसका पीछे से क्या हट रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर उस हिसाब से आप कर जाएंगे। ठीक है, दूसरा बात करूं संधि विच्छेद कीजिए, 4-5 लाइन दे देगा भाई। विद्यालय विद्या प्लस आल्य, ठीक है, यहाँ पर देखो अध्याय अध्यी प्लस आ महेश महा प्लस ईस कपीस कै प्लस कपी प्लस ईस, इस तरीके से देखने को मिलेगा। नई नय मतलब विनायक का डबल मात्रा आ जाएगी, नय पे और अक हो जाएगा। तो ये जो संधि विच्छेद है, अब यहाँ पे संधि विच्छेद पूछ लिया आपसे, पूछ लेगा कि भाई अलग अलग आप पूछ लिया, चलो ठीक है भाई यहाँ पे पूछ लिया, विद्या प्लस आल्य क्या होगा, क्या बनेगा संधि, ऐसे भी पूछ सकता है, संधि भी पूछ सकता है आपसे। और दूसरा ये भी पूछ सकता है इसमें कौन सी संधि रहने वाली है, वह भी पूछ सकता है। तो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है संधि का नॉलेज होना। ठीक है, ठीक बात करें यहाँ पर देखो, संज्ञा को सह उदाहरण परिभाषित कीजिए। सिलेबस में क्या लिखा हुआ था, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण सारी चीजें लिखी हुई थी। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा संज्ञा कितने प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। तो ये नॉर्मली जो व्याकरण का नॉलेज आपको होना पड़ेगा। दूसरा बात करूं विशेषण की परिभाषा है, इसके भेदों का नाम उल्लेख कीजिए, कोई भी विशेषण दे भी दे सकता है, विशेषण के प्रकार पूछ सकता है, विशेषण की परिभाषा पूछ सकता है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा बात करूं यहाँ पर निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखें, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे उल्टे शब्द लिख देगा। ठीक है, देखो आशीर्वाद गलत है, आशीर्वाद गलत है, वह के ऊपर डंडा आएगा, बारात गलत है, दवाइयां में गलत है, ज्योत्सना तयादा आएगा, तो इसलिए इसमें क्या आएगा, अशुद्ध। अशुद्ध में क्या आएगा भैया, कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे जो देखने को मिलेंगे। इसमें पॉइंट जो है दे दिया भाई, 5 वर्ड अशुद्ध दे दिया, आपको कहेगा शुद्ध लिख दो। ठीक, बात करूं वाक्य में, वाक्यों की शुद्धि आएंगे, दोनों क्वेश्चन आएंगे, एक चाय का कप लाओ, आपका दर्शन हो गए, आपके दर्शन हो गए, इस तरीके से। पूजा एक विद्वान लड़की है, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ, इस तरीके से शुद्ध का अशुद्ध करना है और अशुद्ध का शुद्ध करना है, जो पूछे वो लिखना है। अगर पूछ रहा है कि भाई अशुद्ध लिखो तो अशुद्ध लिखना है, और पूछे कि भाई शुद्ध लिखना है तो शुद्ध लिखना है। ठीक है, मुहावरे का अर्थ वाक्यों में प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट है, सीधे नंबर मिलेंगे। श्री गणेश करना, किसी कार्य का शुभारंभ करना। ठीक है, लोकोक्ति कोई भी एक लाइन आपको देखने को मिल रही है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ऐसे जो लाइन आती है इसका प्रयोग भी करना है। हालांकि इसमें अर्थ पूछ रहा है, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, लगभग आपके जो सीरीज में 10, 15, 20 जो जितने वीडियो है वो पढ़ जाना भैया, वहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। और ये फिक्स नहीं होते, इसलिए गैस पेपर नहीं बनता, कुछ भी पूछ सकता है, संधि व्यक्तिवाचक संज्ञा वगैरह, संधि भी कोई सी भी आ सकती है, समास भी कोई आ सकता है, इसलिए कह रहा हूँ ये चीजें यहाँ पे गैस पेपर नहीं बनता है। इसमें केवल आपको पैटर्न समझा रहा हूँ और पेपर समझा रहा हूँ करना क्या है। कुछ चीजें हैं जो आपको पास करवा देंगी लास्ट में जो दिए हुए हैं, वो भी आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझाने वाला हूँ। यहाँ पर देखो हाथ कंगन को आरसी क्या, ये आपका लोकोक्ति दिया हुआ है इनका। यहाँ पे देखो मुहावरे का अर्थ में वाक्यों में प्रयोग करो, पहले तो इसका अर्थ बताना है कि श्री गणेश का अर्थ क्या है यहाँ पर, और उसके बाद उसका प्रयोग भी करना है, कोई वाक्य बताना है कि भाई हाँ इस तरीके से हमने कि भाई नई दुकान का श्री गणेश किया, जो भी है। ये देखो संक्षेपण क्या है, ये फ्री का नंबर है, मतलब आपको दिया हुआ है उसी में से उठा के आपको लिखना है, बस इतना सा है। संक्षेपण का मतलब है संक्षेप में करना है, 10 लाइनें लिखी हैं, 7 लाइनें लिखी हैं, भैया इसको 4 या 5 लाइन में कर दो, अपने हिसाब से लिख दो, थोड़ा सा बदल दो, लैंग्वेज बदलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसी को क्या नाम है, जहां पे 7-8 लाइन दी हुई है इनको 4-5 लाइनों में लिखाना, संक्षेपण देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और एक बार संक्षेपण लिखते कैसे हैं वो आपको सीरीज में देखने को मिल जाएगा।
डायरेक्ट ऐसा, बस इसको जो दिया हुआ है 4 नंबर का आएगा, 4 नंबर इजीली आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करें पल्लवन, यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी 7-8 लाइन दे रहा है, उसको 4-5 लाइन करवा रहा है, संक्षेप में करवा रहा है। यहाँ पे एक लाइन दे रहा है, एक लाइन दे रहा है, इसको बोलेगा कि 4-5 लाइन में करो पल्लवन, यानी इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, लाइन क्या है, करत करत अभ्यास के जड़मति होय सुजान। ठीक है, लाइन है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, जड़मति होत सुजान, इसकी व्याख्या पूछेगा इस लाइन की क्या है, तो लिख देना भैया, जो भी 4-5 लाइन की है वो लिख देना। अब यहाँ पे जरूरी थोड़ी ही यही आएगी, कोई सी भी आ सकती है, तो इसका यहाँ पे मैं कहूँ कि भाई मैं 5 लाइन लिख दूंगा आ जाएंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है, कुछ भी आ सकता है, बस आपको लिखना आना चाहिए। अनुस्मारक का अर्थ में प्रारूप तैयार कीजिए, ये कोई भी लेटर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। एक तो मैं इंपोर्टेंट ये कह सकता हूँ कि भैया आपको लेटर किसी से भी पूछ सकता है, कार्यालय से संबंधित आ गया, सगे संबंधी से संबंधित आ गया, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको क्या करना है, लेटर लिखा कैसे जाता है, केवल फॉर्मेट देखना है, डेट किधर लिखी जाती है, एड्रेस किधर लिखा जाता है, पता क्या लिखा जाता है, बीच में लिख देना जो पूछे, अच्छे वो पूछ रहा है बुरा पूछ रहा है, जो भी उसमें सारी लाइनें लिख देना, लेकिन आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, भाई इधर लिखना है, इधर से लेटर शुरू करते हैं, इधर से शुरू करते हैं, वो सारी चीजें आपके सीरीज में दी हुई है उस हिसाब से आपको लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फ्री के नंबर है, 4 नंबर आप इजिली आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, बात करें हिंदी भाषा के प्रयोग संबंधी अधिसूचना का प्रारूप तैयार कीजिए, एक रिपोर्ट तैयार करवाएगा यहाँ पर, हिंदी भाषा से रिलेटेड पूछ रहा है, तो हिंदी भाषा से रिलेटेड आपको पॉइंट भी देखने को मिलेंगे, वहां से आपसे तैयार करवाएगा। ठीक है, बात करें यहाँ पर किसी विषय पर 400 शब्दों में निबंध। देखो निबंध में इम्पोर्टेंट क्या है, हालांकि आ चुके रेगुलर वालों के, लेकिन इसमें नॉन कॉलेज के भी ये तो आ सकता है, महिला सशक्तिकरण वाला और राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो आ सकता है। ठीक है, या फिर आतंकवाद भी देखने को मिल सकता है यहाँ पर, बहुत से आते हैं, जनसंख्या वृद्धि भी देखने को मिल सकता है, और व्यापार से रिलेटेड भी कुछ आ सकता है, अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड भी कुछ आ सकता है। तो 400 शब्दों में, 400 शब्दों का मतलब कम से कम 5 से 6 पन्ने भरने हैं भैया इसमें कैसे करके, और निबंध जब लिखें पॉइंट बना बना के लिखने हैं, कभी भी ये नहीं कि भाई इधर से शुरू कर रहा हूँ और यहाँ पे पन्ना खत्म कर दिया, फिर पन्ना पलट दिया, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे खत्म कर दिया, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे खत्म कर, ऐसे नहीं करना, पॉइंट बना बना के लिखना है। कोशिश करें कि एक पेज में 2 पॉइंट बन जाए, एक बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैराग्राफ चेंज करते रहें, इस तरीके की चीजें करेंगे तो नंबर इजीली आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हिंदी का पेपर है, मैंने समझा दिया, इसमें कोई गैस पेपर बनता नहीं है, क्योंकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, और जब क्वेश्चन दिए हुए होते हैं उसमें तो सिलेक्ट कर लेते हैं हम, भाई 30 क्वेश्चन है उसमें से 10-12 क्वेश्चन अपने को बताने हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि व्याकरण में कोई से भी पूछ सकता है, संज्ञा से भी, सर्वनाम से भी, व्याकरण से भी, ऐसी तरीके से सारी चीजें मैंने बता दी हैं जो भी वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण है, बस इसी हिसाब से आपको पेपर सोल्व करके आना है, अच्छे से करके आना, पूरा पेपर का सोल्व करके आना है, 40% नंबर चाहिए। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए लाइट थोड़ा चला गया उसको लेकर इतनी समस्या है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल सब्सक्राइब करें, थैंक यू।